नए कदमों के साथ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। जो न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने 90 अत्याधुनिक माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स की खरीद को अंतिम रूप दिया है। यह डील देश के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अब केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि वह अपने दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक रणनीतियों को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नवे माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स की यह डील यह दिखाती है कि भारतीय सेना खुद को न केवल आज के युद्ध के लिए बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी कमर कास चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर ये माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स है क्या और ये कितना खतरनाक है और क्या कुछ कर सकती है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना देश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब हम युद्ध की बात करते हैं तो अटैक और डिफेंस दोनों की महत्ता सामने आती है। हाल ही में दो महत्वपूर्ण युद्धों ने हमें यह सिखाया है। पहला है रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष और दूसरा है इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई। इन दोनों युद्धों में एक चीज स्पष्ट है, एक देश का डिफेंस उसकी जीत की दिशा में सहायक बनता है जबकि दूसरे का डिफेंस उसे कमजोर कर रहा है। अगर हम रूस और यूक्रेन के युद्ध पर नजर डालें तो रूस के हमले हमेशा से बेहद घातक और तेज रहे हैं। आज भी उनका हमला शक्तिशाली है लेकिन रूस को कमजोर कर रहा है उनका डिफेंस। उनकी सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वे न सिर्फ अपनी जमीन की बल्कि खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए S-400 जैसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आज धूल चाट रहा है। यही वजह है कि जिस युद्ध को रूस एक हफ्ते में समाप्त करना चाहता था वह अब 2.5 साल से भी लंबा हो गया है। अब आपका सवाल होगा कि इसराइल और हमास के बीच का युद्ध भी तो 1 साल से जारी है, फिर भी इसराइल को आलोचना का सामना क्यों नहीं करना पड़ रहा। इसका उत्तर है उनका मजबूत डिफेंस सिस्टम। इसराइल का डिफेंस इतना शानदार है कि वे अभी भी जीतने की स्थिति में हैं। हालांकि उनके हमले में पहले जैसी धार नहीं रही, जो कि एक चिंता का विषय है। इसराइल के पास आज भी कुछ साल पहले की तरह अत्याधुनिक हथियार नहीं है और यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इसराइल की आलोचना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम रूस की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। यही कारण है कि इतने लंबे समय तक युद्ध खींचने के बावजूद इसराइल अब भी मजबूत स्थिति में है। ये बात सही है कि डिफेंस भले ही आपको युद्ध जीतने की गारंटी नहीं देता लेकिन यह आपको हारने से जरूर बचाता है। इसी वजह से डिफेंस किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना भी इसे गंभीरता से ले रही है। हाल ही में खबरें आई हैं कि भारतीय सेना करीब 90 माइक्रोवेव वेपन अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है जो ड्रोन खतरों का सामना करने के लिए तैयार किए गए हैं। अब बात करते हैं इन माइक्रोवेव वेपन्स की जो भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। ये हथियार सिर्फ किसी साधारण डिफेंस सिस्टम का हिस्सा नहीं है बल्कि ये भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स का मुख्य काम होता है दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करना, चाहे वह ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। माइक्रोवेव वेपन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन के हथियारों को उनके ही मैदान में निष्क्रिय कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि दुश्मन हमारे खिलाफ ड्रोन का उपयोग करता है तो ये माइक्रोवेव वेपन्स उन ड्रोन्स के नियंत्रण प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये वेपन्स इतने सटीक हैं कि वे दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जाम कर सकते हैं जिससे वे हमारी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में जब दुश्मन के ड्रोन तेजी से हमारी सीमा की ओर बढ़ रहे हों तो इन माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करके उन्हें हवा में ही जाम कर दिया जाए। ये वेपन्स इतने सटीक और शक्तिशाली हैं कि ये दुश्मन के ड्रोन को बिल्कुल उसी समय पर निष्क्रिय कर सकते हैं जब वे हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर मंडराने की कोशिश कर रहे हों। दूसरे शब्दों में माइक्रोवेव वेपन्स का उपयोग करके हम अपने दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हमले को नाकाम कर सकते हैं।
चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर साइबर अटैक, ये वेपन्स हर मोर्चे पर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अगर दुश्मन हमारे संचार नेटवर्क को बाधित करने की कोशिश करता है तो भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उसकी योजनाओं को असफल कर देगा। यह वेपन दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन को भी रोकने में सक्षम है। इससे हमारे सैनिकों का आपसी समन्वय और ऑपरेशनल प्लानिंग सुरक्षित रहेगी और दुश्मन के प्रयास पूरी तरह विफल हो जाएंगे। लेकिन यह केवल शुरुआत है। माइक्रोवेव वेपन्स का उपयोग और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। मान लीजिए कि दुश्मन हमें साइबर अटैक से कमजोर करने की कोशिश करता है, तब भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उस साइबर अटैक को नाकाम करने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल्स का उपयोग करके दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा सेंटर्स को तबाह कर सकता है, जिससे उनका साइबर अटैक सफल होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दुश्मन हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार के एंटी रडार मिसाइल्स का उपयोग करता है तो भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। एंटी रडार मिसाइल्स का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे रडार सिस्टम्स को नष्ट करना, जिससे हमारी वायुसेना और अन्य डिफेंस सिस्टम्स की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन माइक्रोवेव वेपन्स का उपयोग करके हम उन मिसाइल्स को पहले ही जाम कर सकते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का उपयोग करके हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जाम करने की कोशिश करता है तो भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उसका मुकाबला करने में सक्षम है। यह सिस्टम दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पहचान कर उन्हें बाधित कर सकता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। माइक्रोवेव वेपन्स की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे दुश्मन के संचार और नेविगेशन सिस्टम्स को भी बाधित कर सकते हैं। मान लीजिए कि दुश्मन के जहाज या विमान हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो ये माइक्रोवेव वेपन्स उनके नेविगेशन सिस्टम्स को जाम कर सकते हैं, जिससे वे अपना रास्ता भटक सकते हैं। इसके अलावा ये वेपन्स दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स को भी जाम कर सकते हैं, जिससे उनकी कम्युनिकेशन लाइन कट सकती है और वे हमारे खिलाफ संगठित हमले करने में असमर्थ हो जाएंगे। कुल मिलाकर माइक्रोवेव वेपन का यह सिस्टम न केवल हमारे डिफेंस को मजबूत करेगा बल्कि दुश्मन के हर संभावित हमले को नाकाम भी कर देगा, चाहे वह ड्रोन, मिसाइल, संचार नेटवर्क या साइबर अटैक हो। यह सिस्टम हर मोर्चे पर हमारी सुरक्षा का पहरेदार बनकर खड़ा रहेगा। भारत की इस नई पहल से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना की इस पहल से यह भी साफ हो जाता है कि वह केवल मौजूदा खतरों से निपटने की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों का भी सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। चाहे वह चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई और दुश्मन, भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। यह पहल न केवल हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि यह हमारे दुश्मनों को भी एक स्पष्ट संदेश देगी कि भारत अब किसी भी तरह की धमकी से डरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के इस वेपन सिस्टम के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।